आज हम लोग अलवर के प्राचीन मंदिर आड़ापाड़ा हनुमान जी मंदिर जा रहे हैं, जो लादिया से प्रतापबंध के रास्ते हुए जाएंगे। प्रतापबंध में सिंघाड़े की खेती होती है, यहाँ के सिंघाड़े बहुत फेमस हैं। रास्ते में रामायणी हनुमान जी मंदिर सर इसका टाइगर रिजर्व है, तो उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ हम मंदिर पहुँच चुके हैं, तो मंदिर में देखें यहाँ अंदर जा रहे हैं हम। अंदर हनुमान जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है, काफ़ी यहाँ पे मान्यता है, प्राचीन मंदिर है, आप देख सकते हैं। अलवर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से ये मंदिर काफ़ी दूर पड़ता है, तो यहाँ पर बहुत कम लोग वाग आते हैं, बहुत शांति का माहौल है, आप देख सकते हैं, बहुत कम भीड़ है। मंदिर में जो घंटे की आवाज़ है वो भी दूर तक सुनाई दे रही है। और ये रही हमारी हनुमान जी की बहुत ही प्राचीन मूर्ति, दुर्लभ दर्शन है, आप कर लीजिए, बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप ज़रूर से यहाँ पर आएँ। अब ये जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेन जो मंदिर है जहाँ से हमने एंटर किया था वो वाला रास्ता, तो यहाँ पर हमने एंटर किया था, यहाँ से हम अंदर आए थे मंदिर की ओर, और चारों ओर आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। फिर जब आप उल्टे हाथ पर जाएंगे मंदिर, जब पूजा वूजा करके आप बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा सा नज़ारा दिखाई देगा। बत्तख है जो बड़ी प्यारी सी लगती है देखने में। अब यहाँ पर हमारा बन रहा है चूल्हे पे खाना, तो देख लीजिए लकड़ी का चूल्हा है, गर्मा गर्म सब्जियाँ रोटी तैयार हो रही हैं, शाही पनीर है, ये दाल है, दाल चने और अरेर की मिक्स, तीन दाल मिक्स, खीर है, और हलवाई का भी लो। क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम किशोर सक्सेना। अच्छा, ये भैया हैं सब बना रहे हैं, आपने चेक कर लिया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। किशोर सक्सेना, छोटे लाल सक्सेना, बहुत है नाम, बढ़िया है। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर भोजन लग रहा है, बहुत प्रेम पूर्वक यहाँ पर हमें भोजन खिलाया गया था, तो उनको भी थैंक्स। ये खीर है गर्मा गर्म, चटनी है, ये मिक्सी में पीसी हुई चटनी है टमाटर हरी मिर्च और धनिए की, साथ में ये दाल टिक्कड़ है। फ्रेंड्स, ये राजस्थान का फेमस टिक्कड़ होता है, चूल्हे पे सेका हुआ और घी में कौंधा हुआ। पनीर की सब्जी है, गुड़ है, नींबू भरवा मिर्च है, बूरा और घी भी था जो मैंने नहीं लिया, साथ में पापड़ भी था, तो बहुत ही एकदम सात्विक भोजन है, शानदार। ये राजस्थानी टिक्कड़ होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, चूल्हे में सेके जाते हैं मोटे मोटे, और फिर घी में ऐसे गोद गोद के घी भरा जाता है, तो काफ़ी टेस्टी खाना था। बाद में यहाँ पर आइसक्रीम भी थी, तो हमने यहाँ पर अच्छा कुल्फी के भी आनंद लिए। तो अब शांति से बैठकर कुल्फी खा लेते हैं। फिर अंत में भारतीय सभ्यता और संस्कृति से गुणीभूत उनकी श्रीमती जी ने सभी बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर सभी को गिफ्ट प्रदान किए। यहाँ मुझे भी दिया गया था, लेकिन बिना वीडियो बनाए, तो मैंने वापस से उन्हें देकर दोबारा से उन्हीं के हाथों से लिया, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत आदर सम्मान के साथ हमारा सत्कार किया गया था। लास्ट में जब हम मंदिर से बाहर निकले, तो यहाँ मार्केट में हमने मीठा पान खाया, तो बहुत इंजॉय किया। तो फ्रेंड्स, जब भी आप अलवर आएँ तो आड़ापाड़ा मंदिर जरूर जाएं, आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पान वाले भैया भी बहुत अच्छे थे। किस नाम पे भैया आपकी दुकान? मुकेश पान के नाम से।